Hello brilliant students, this time we are doing for class 9th exercise 10.5 question number 6. Question number 6 mein kya hai? A, B, C, D is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. A, B, C, D, ye ek cyclic quadrilateral hai, right? A, B, C, D एक cyclic quadrilateral है जो जिसके जो diagonals है A, C और B, D एक दूसरे को E point पर काटते हैं, intersect करते हैं, काटते हैं. अगर आपको D, B, C 70 degree दे रखा हो, D, B, C ये 70 degree दे रखा है और B, A, C 30 degree दे रखा है, B B कहाँ है, ये रहा B A C, ये 30 डिग्री आपको दे रखा है. हमें क्या करना है, B C D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फाइंड B C D, P C D ये पूरा एंगल, राइट. नेक्स्ट, अगर A B बराबर हो B C तो E C D की वैल्यू भी फाइंड आउट कीजिए. फाइंड E C D, E C D हमें ये वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ये वाला एंगल एरो साइन लगाया हुआ है. ओके, तो बड़ा ही आसान है. पहले तो ये यहाँ ना आपको फिगर नहीं दे रखी थी, राइट. तो फिगर अब आपको खुद को बनानी पड़ी. तो फिगर बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि भाई आप कैसे इसको बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो फिगर बड़ी आसानी से आपसे बन जाएगी. तो प्लीज़ एक बार आप ये कोशिश कीजिए कि अगर आपको फिगर दे भी रखी है तो बिना फिगर देखे एक बार आप बनाने की कोशिश कीजिए. क्या पता क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसे आ जाए, फिगर दे ही ना वो, राइट. टिपिकल क्वेश्चन कर दें उसको. तो प्लीज़ फिगर अपने आप बनाने की कोशिश कीजिए, फिर उसके साथ मैच कीजिए, ठीक है. तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी. तो इस तरीके से आपको ये फिगर खुद ही बनानी थी. अब इसको करेंगे कैसे, लेट अस सी. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको बड़ा ही आसानी से ही हो जाएगा. कई मेथड हो सकते हैं, उनमें से मेरे पास मैं एक मेथड ये करवा रहा हूँ. आप किसी और मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं अगर आपकी नॉलेज पूरी है. तो देखिए मैं इसको कैसे निकालने वाला हूँ. सी डी एक आर्क है, सी डी के द्वारा ये एंगल बन रहा है, राइट. और सी डी के द्वारा ही ये बन रहा है, राइट. तो 70 है ये, तो ये भी 70 हो जाएगा. तो 30 प्लस 70 ये टोटल 100 डिग्री हो गया, ठीक है. 30 के अंदर 70 जोड़ दी तो 100 डिग्री. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, एम आई राइट. यस, तो ये ये अगर 100 डिग्री बन गया तो ये एंगल कितना बनेगा, 80 डिग्री. लीजिए जी, ये हो गया एक, ये कितना हुआ, 80 डिग्री बन गया. तो एक हमारा ये सॉल्यूशन हो चुका है. अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि ए बी और बी सी ये दोनों बराबर हो, ठीक है जी, बराबर हैं. तो इससे क्या होगा, ए बी के अपोजिट एंगल जो है वो कौन सा है, सी इस ट्रायंगल के अंदर, और बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये 30 डिग्री. तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा. 80 हमने निकाल ही लिया था, तो 30 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री. तो इस तरीके से हम इसे करने वाले हैं. और इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे करना है, लेट अस सी. और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, और आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो. और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई एम अपलोडिंग एनी वीडियो एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट वीडियो. और शेयर उनके लिए ज़रूर कीजिएगा जिनको इस तरीके के वीडियो की ज़रूरत है, जो कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाएंगे क्योंकि वो प्रैक्टिस करेंगे. ओके, थैंक यू. चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं. सॉल्यूशन यहाँ हम पहले क्या करने वाले हैं, सी डी आर को लेंगे, इसका फैक्ट लिख लेते हैं. बिकॉज एंगल्स मेड बाय एन आर्क ऑन द सेम साइड ऑन द सर्कल आर इक्वल. एंगल्स मेड बाय एन आर्क ऑन द सेम साइड ऑन द सर्कल आर इक्वल.
सो एंगल, इसके नाम लिखने पड़ेंगे हमें, हमारी आर्क ये है डी ए सी, इक्वल होगा एंगल डी बी सी इजकल टू, ये 70 डिग्री है तो ये 70 डिग्री लिख दिया। दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर पॉइंट, जहाँ पर एंगल बना हुआ है वो बीच में रहेगा, ये ए पर बना हुआ है ना तो ये ए बीच में रहेगा, बाकी जो सी और डी है दोनों तरफ इधर उधर, इसी तरह बी पर बना है तो बी, बाकी सी और डी जो ये पॉइंट है ये इधर उधर, डी सी या फिर सी डी इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। तो ये कितना डिग्री आ गया हमारा, 70 डिग्री। अच्छा, अब उसके बाद जो ये बी ए डी किस किस से मिलके बन रहा है, एक तो इसको नाम दे दिया वन, एंगल वन प्लस में इसका नाम क्या था, सी ए बी इजकल टू, एंगल वन की वैल्यू हमने अभी निकाली है, डी ये डी ए सी है ना, डी ए सी ये 70 डिग्री, और सी ए बी की वैल्यू, सी ए बी 30 डिग्री हमें दे रखी है, तो ये बना 100 डिग्री, पूरा 180 बन जाएगा, तो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ओके, तो अब क्या होगा, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे दो थ्योरम का अब तक इस्तेमाल हुआ है, तो उसका आप ध्यान दीजिए, थ्योरम में आपको लर्न हो, फैक्ट आपको लर्न हो, ये टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं थोड़ी सी मेरी, इसी ऐसे ही लिखता हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट। तो ये लाइनें जो कह रहा हूँ मैं, अच्छा उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये 100 डिग्री आ गया, तो ये एंगल कितना होगा, इसके अंदर जोड़ देंगे। अच्छा, अपोजिट एंगल्स कैसे निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल के अंदर, देखिए ए है, ए के तुरंत बाद आ रहा है बी, तो ए का एडजेसेंट एंगल तो बी हुआ, लेकिन एडजेसेंट के भी जो एडजेसेंट होगा वो इसका अपोजिट होगा, तो ए के तुरंत बाद आ रहा है बी, बी के बाद आ रहा है सी, तो ए का अपोजिट सी होगा, इसी तरीके से बी का अपोजिट डी होगा, बी के तुरंत बाद आ रहा है सी, सी को छोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है डी, तो बी और डी अपोजिट होंगे, राइट। तो 180 डिग्री, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एंगल बी ए डी प्लस में एंगल, ये एंगल का नाम देंगे बी सी डी, सी बीच में, बाकी बी और डी अगल बगल, बी सी डी इजकल टू 180 डिग्री। अच्छा जी, बी ए डी की वैल्यू हमने निकाली है, ये रही 100 डिग्री, बी सी डी की वैल्यू हमें निकालनी है 180, तो बी सी डी की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री माइनस में 100 इजकल टू 80 डिग्री, तो बी सी डी की वैल्यू हमने निकाल ली, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक हमारा पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो मुझे ये रब करना पड़ेगा, प्लीज लुक एट इट प्रॉपरली, ओके। देखिए, हर एक के अंदर अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है, तो गुरु के अंदर भी, टीचर के अंदर भी, या आपको जो सिखाने वाले आपके एल्डर्स हैं उनके अंदर अच्छाइयाँ भी होगी और बुराइयाँ भी होगी, लेकिन अच्छाइयाँ उनके अंदर ज़्यादा होगी। तो इसलिए वैसे ही मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई अगर आपको अच्छाई नज़र आती है, चाहे पढ़ाने के अंदर, चाहे किसी भी चीज़ के अंदर, बोलने में, तो प्लीज़ उसे गेट कर लीजिए, और अगर कोई मेरे अंदर कमी आपको नज़र आ रही है तो उसको छोड़ दीजिए। गुरु के लिए भी यही चीज़ होती है, टीचर के लिए भी यही चीज़ होती है, बड़ों के लिए यही चीज़ होती है कि आप उनसे अच्छाइयाँ लीजिए और उसके अंदर जो कमियाँ हैं उसे आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए, वो मत लीजिए, अच्छी चीज़ लीजिए हमसे, ओके। तो अब हम कर रहे हैं कि अगर इफ़ ए बी इज इक्वल टू
बी सी, ये और ये, बी सी बराबर है, ये दे रखा है हमें, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एंगल ये है और जो ये एंगल है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, नहीं, जो ये एंगल है और जो ये एंगल है, कैसे भला, ए बी और बी सी इक्वल दे रखिए ना, तो ए बी का अपोजिट एंगल, ए बी को छोड़ दिया, बचा पॉइंट सी, सी वाला एंगल, ये ए सी बी, सी बीच में रखा, बाकी दो पॉइंट अगल बगल, उसके बाद बी सी, बी सी के अपोजिट एंगल जो है, बी सी को छोड़ दिया, बाकी बचा पॉइंट ए, ये वाला, तो ए रखेंगे बीच में और बाकी के दो पॉइंट बी और सी अगल बगल, नॉट प्लस इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। और हमने निकाला था बी ए सी, निकाला क्या था, ये 30 डिग्री गिवन था ये हमें, तो अब ये हो गया, और हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था बी सी डी कितना 80 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें निकालना है ये वाला एंगल, तो जो बी सी डी है किस किस का सम है, बी सी डी इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम है, तो ये जो एंगल है इसका नाम हुआ बी सी ए, बी सी ए जो सी पर बना एंगल है, ये बीच में, बाकी दोनों पॉइंट अगल बगल, और जो ये वाला है, ये पॉइंट है, ये भी सी है बीच में, और बाकी दो पॉइंट कौन से है, एक ए है और एक डी है, ये दोनों अगल बगल अगल बगल बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बी सी ए, बी सी ए हमें 30 डिग्री हमने निकाल लिया था, और ए सी डी हमें निकालना है 80 डिग्री, तो ए सी डी इजकल टू 80 माइनस 30 50 डिग्री, लीजिए हमारा ई सी डी, डोंट वरी, ए सी डी और ई सी डी की बात है ना, क्योंकि ये ए सी के ऊपर है, ए सी के ऊपर है पॉइंट ई, तो ए सी डी की वजह लिख देते हैं इसको ई सी डी इजकल टू 50 डिग्री, लीजिए कॉन्ग्रेचुलेसन, हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, लुक एट इट प्रॉपरली।